हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी वी टीचर्स गिर्ड स्टूडेंट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू अ वर्कशीट ऑफ क्लास थर्ड ई चैप्टर आर फर्स्ट स्कूल तो चैप्टर में हमने देखा कि हमारा जो पहला स्कूल है वो होती है हमारी फैमिली क्योंकि सबसे पहले जो चीज़ें हम सीखते हैं फैमिली से और फैमिली मेम्बर से सीखते हैं इस चैप्टर की रीडिंग एक्सप्लेनेशन हम लोग प्रीवियस वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं उम्मीद है चैप्टर आपको एनसीआर से समझ में आ गया होगा लेकिन अब बात करते हैं इस चैप्टर से एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसके लिए हमें केंद्रीय विद्यालय की वर्कशीट देखनी होगी जिसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं तो चलिए क्वेश्चंस देखेंगे और आंसर्स डिस्कस करेंगे अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आए तो उसको आप मिस ना करें चैप्टर फोर आर फर्स्ट स्कूल सबसे पहले कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं पहला क्वेश्चन है आपका माय डैश इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ माय फैमिली इनमें से कौन आपकी फैमिली मेंबर नहीं है आपकी मदर फादर योर बेस्ट फ्रेंड या फिर योर ब्रदर तो फादर ब्रदर मदर आपके साथ आपके घर में रहते हैं बेस्ट फ्रेंड नहीं ऑब्वियसली तो ये आपकी फैमिली मेंबर नहीं है ऑप्शन सी करेक्ट है योर फादर्स ब्रदर इज योर आपके फादर के ब्रदर मतलब उनके भाई क्या रिलेशन होगा आपके साथ उनका वो आपके अंकल होंगे कजन होंगे आंट या फिर नन ऑफ दी अबव वो आपके अंकल होंगे ऑप्शन ए करेक्ट है चैप्टर में आपको जितने भी रिलेशन हैं मदर सिस्टर मदर्स मदर फादर्स ब्रदर्स सिस्टर एंड ये सभी पता होने चाहिए इनको हम क्या कहते हैं आर डैश आर फर्स्ट स्कूल कौन सा आपका पहला स्कूल है प्राइमरी स्कूल प्ले स्कूल फैमिली या फिर नन ऑफ दी अबव तो जैसे चैप्टर में बताया गया है पहला स्कूल जो है आपका वो आपकी फैमिली है अ चाइल्ड्स फर्स्ट लर्निंग कम्स फ्रॉम हिज बच्चे की जो पहली लर्निंग है सीख है वो कहाँ से आती है फ्रेंड से फैमिली से टीचर से या फिर स्कूल से तो पहली जो लर्निंग है बच्चा जो चीज़ें सीखता है जैसे बोलना सीखता है बड़ों की रिस्पेक्ट करना सीखता है इनफैक्ट कुछ चीज़ें आपको पढ़नी भी घर में ही सिखाई जाती है वो आप अपने फैमिली मेम्बर्स से मतलब फैमिली से सीखते हैं तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है फिफ्थ क्वेश्चन इज माई फैमिली कंसिस्ट ऑफ डैश मेम्बर्स आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं फोर फाइव सिक्स या फिर मोर देन सिक्स इसका आंसर आप खुद ही दे पाएंगे माई डैश इज हेड ऑफ माई फैमिली आपके घर में हेड कौन है आपकी फैमिली का फादर या ग्रैंड फादर सिस्टर फ्रेंड या फिर नेबर ऑब्वियसली सिस्टर आपकी छोटी होंगी फ्रेंड आपकी फैमिली का पार्टी नहीं है इवन नेबर भी नहीं है तो घर के जो हेड है वो आपकी ग्रैंड मदर आपकी ग्रांड फादर फादर या मदर होती हैं तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है मेंबर्स ऑफ फैमिली डैश ईच अदर मेम्बर ऑफ फैमिली एक दूसरे के लिए क्या करते हैं दे लव एंड केयर ऑफ एक दूसरे से प्यार करते हैं एक दूसरे को टेक केयर ध्यान रखते हैं शेयर फीलिंग्स विद एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिम्मेदारियाँ शेयर करते हैं या फिर ऑल ऑफ़ दी अबव तो फैमिली मेम्बर्स ये सभी चीज़ें करते हैं एक दूसरे का ध्यान भी रखते हैं फीलिंग्स दुख सुख सभी शेयर करते हैं और अगर किसी को कुछ काम है तो एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी कैरी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चाइल्ड लर्नस डैश फ्रॉम हिज फैमिली एक बच्चा अपनी फैमिली से क्या सीखता है वैल्यूज ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स डिसिप्लिन या फिर ऑल ऑफ दी अबव तो फैमिली ये सभी चीज़ें सिखाती है आपकी जो वैल्यूज़ हैं जो मूल्य हैं आपके घर के कैसे बड़ों से बात करनी है रिस्पेक्ट करना है दूसरों को एल्डर्स को कहना मानना है है ना ये सभी चीज़ें भी आप सीखते हैं फैमिली में क्या ट्रेडिशंस हैं क्या कस्टम्स हैं जैसे हमने कुछ ट्रेडिशंस देखे भी कि खाना खाने से पहले प्रे करना है सुबह उठ के सबको नमस्ते करना ये चीज़ें भी आप फैमिली से सीखते हो डिसिप्लिन भी सेल्फ डिसिप्लिन भी नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टी फोर ट्रू एफ फोर फॉल्स ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है आपका द वे टू पर्सन ड्रेस इंडिकेट दैट टू परसन आर ऑफ सेम फैमिली दो लोगों के ड्रेस से समझ में आता है कि दोनों लोग एक फैमिली के ऐसा बिल्कुल नहीं है फैमिली के दोनों लोग एक जैसे कपड़े पहनते हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ऑल फैमिली में ऑल मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑलवेज लुक लाइक वन अनदर सभी फैमिली के मेंबर हमेशा एक जैसे दिखते हैं ये भी बिल्कुल फॉल्स है अगर ऐसा होता तो घर में आप आधे लोगों को पहचान ही ना पाते सभी एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं हालाँकि कुछ चीज़ें मिलती ज़रूर है आपकी स्माइल किसी के जैसी होगी आइज किसी से मैच करेंगी लेकिन आप बिल्कुल किसी पर्सन के जैसे हो ऐसा नहीं होता जब तक कि कोई आइडेंटिकल ट्विंस ना हो वी लर्न मैनी थिंग्स फ्राम आर फैमिली हम अपनी फैमिली से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं मच बिफोर वी लर्न फ्राम एनी एल्स कहीं और से सीखने से पहले ये बिल्कुल ट्रू है बाई ईटिंग डिनर ऑन डाइनिंग टेबल यू आर हेल्पिंग योर फैमिली जब आप डिनर खा रहे हैं सभी डाइनिंग टेबल पर तो आप अपनी फैमिली की हेल्प कर रहे हैं इसमें कोई हेल्प नहीं है लेकिन हाँ अगर आप अपनी मदर की हेल्प कर रहे हैं किचन में खाना बनवाने में वो हेल्प मानी जाएगी यहाँ पर आप क्वालिटी टाइम इन्जॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ हेल्प कुछ नहीं है इसमें अब कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन टू मेंबर्स ऑफ अ फैमिली हु आर मैरिड टू ईच अदर दो फैमिली मेम्बर जिनकी शादी होती है आपस में वो क्या होते हैं दे आर हजबैंड एंड वाइफ हजबैंड वाइफ नेक्स्ट इज योर फादर सिस्टर इज़ योर आपकी फादर की जो सिस्टर है वो क्या होंगी आपकी वो होंगी आपकी बुआ जी योर मदर्स ब्रदर आपकी मदर के भाई कौन होंगे वो होंगे आपके मामा जी एग्जाम में भी जब आप आंसर लिखें तो जी लगा के लिखना थोड़ा सा टीचर के ऊपर इंप्रेशन अच्छा जाता है इससे माई सिस्टर्स मदर आपकी सिस्टर की मदर आपकी भी मदर होंगी अंकल सन आपके अंकल का जो बेटा है वो आपका क्या होगा वो आपका कजन होगा ब्रदर और सिस्टर्स इज कॉल्ड उनको हम लोग सिबलिंग्स कहते हैं आपके भाई या बहन सिबलिंग कहा जाता है वी शुड शो डैश टू एल्डर्स इन द फैमिली फैमिली में जो बड़े लोग हैं उनके प्रति आपको क्या शो करनी है रेस्पेक्ट उनका आदर करना है वी डैश मैनी थिंग्स फ्राम आर फैमिली मेम्बर्स आप अपनी फैमिली मेम्बर से बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं सीखते हैं सो वी लर्न रिलेटिव कैन बी डैश एंड पैटर्नल रिलेटिवस जो हैं आपके रिश्तेदार वो मैटर्नल हो सकते हैं आपकी मदर के साइड के हो सकते हैं या फिर पैटर्नल आपके फादर के साइड के जैसे अंकल हैं आपके दादाजी दादी जी ये पैटर्नल साइड है और मैटर्नल साइड में आपके मामा जी आपकी नानी नाना ये सभी आपकी मेटरनल साइड से हैं मदर की साइड से रिलेटिव्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द नेम्स ऑफ रिलेशन इन कॉलम वन विद रिलेशनशिप इन कॉलम टू बाई ड्रॉइंग एरो आपको एक कॉलम में जो रिलेशन है उनको बी से मैच करना है फर्स्ट इज ब्रदर ब्रदर कौन होंगे आपके मदर के सन आपकी मम्मी के जो बेटे हैं वो आपके भाई है फादर मदर्स हजबेंड ग्र ग्रैंड मदर होंगे आपके फादर की मदर और ग्रैंड सन होंगे आपके डॉटर के सन डॉटर सन इज योर ग्रैंड सन नेक्स्ट इज आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस वाई इज़ फैमिली आर फर्स्ट स्कूल फैमिली को अपना पहला स्कूल क्यों कहते हैं आप फैमिली आपका फर्स्ट स्कूल कैसे है तो बिकॉज वी लर्न फ्रॉम, वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम फैमिली क्योंकि हम फ्रॉम फैमिली फैमिली से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं बिफोर एनी वेयर एल्स एनी वेयर एल्स कहीं और से पहले आप पहले फ़ैमिली से चीज़ें सीखते हैं इसलिए उसको पहला स्कूल कहा जाता है मैंशन वन वे ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली आप अपनी फ़ैमिली में बड़ों से कैसे रिस्पेक्ट शो करते हैं वो बताइए जब आप मिलते हैं उनको ग्रीट करते हैं बाय या फिर टचिंग देयर फीट ये कहीं फ़ैमिली में देखा गया है जब आप उनसे मिलते हैं तो फीट टच करते हैं नमस्ते करते हैं सलाम वालेकुम जो भी आप बोलते होंगे सत सीकाल तो ये सभी जो ग्रीट करते हैं आप अपने पेरेंट्स को बड़ों से मिलते हैं तो कई बार फीट टच करते हैं या फिर बाय ग्रीटिंग देम सेइंग नमस्ते जो भी आप लिखना चाहे वो आप यहाँ लिखेंगे मेंशन वन हैबिट विच यू डू नॉट लाइक ऑफ एनी मेंबर्स ऑफ योर फैमिली अब ये आप ही बता पाएंगे आपके फैमिली मेंबर की कोई भी हैबिट जो आपको पसंद ना हो वो आपको यहाँ पर लिखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चन पिक्चर्स को देखिए और क्वेश्चन के आंसर करिए हु इज़ इन द पिक्चर गिवेन बीरो कौन है शी इज अदर एंड वॉट इज शी डूइंग ये क्या कर रही हैं शी इज वॉशिंग क्लोथ्स वो कपड़े धो रही हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द मैन एंड गर्ल शोन इन द पिक्चर सीन्स वी रिलेटेड टू इच अदर ये जो मैन और गर्ल दिया हुआ है कि पिक्चर दी हुई है ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है तो ये है फादर एंड डॉटर एंड डॉटर नेक्स्ट थिंग फाइंड एंड राइट सोचिए पता करिए और लिखिए नेम फ्यू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली एंड द रिलेशनशिप विद यू आपको आपके फैमिली मेंबर्स के यहाँ पर नाम लिखने हैं आपके ग्रैंड का नाम लिखेंगे दादाजी का रिलेशन हो जाएगा ग्रैंड नाम आप खुद ही लिख पाएंगे ऑब्वियसली अपनी ग्रैंड मदर का नाम आप लिख सकते हैं अपने अंकल का नाम लिख सकते हैं अपने अपने मामा जी का नाम लिख सकते हैं मेटरनल अंकल उनको कहते हैं इंग्लिश में बट आप हिंदी में भी रिलेशन लिखेंगे तो भी एग्जाम में आंसर रॉन्ग नहीं होगा आपका मैटरनल अंकल या फिर मामा जी कोई भी रिलेशन चार रिलेशन आपको यहाँ पर लिखने हैं और उनके नाम भी लिखने हैं अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग रिलेशंस इन टू कॉलम्स बाय ड्राइंग लाइंस फादर मदर हस्बैंड वाइफ ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर अंकल आंट ब्रदर सिस्टर अगला क्वेश्चन है राइट वन गुड हैबिट दैट यू लर्न फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्डर्स इन योर फैमिली आपने इन लोगों से घर में क्या एक अच्छी चीज़ सीखी है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं मान लीजिए कोई भी चीज़ आपने लर्न की हो सीखी हो मान लीजिए आपके अंकल ने आपको बाइसिकल चलाना सिखाया है तो अंकल से आपने सीखा है राइडिंग बाइसिकल ग्रैंडफादर आपको रोज कहानी सुनाते हैं तो आपने उनसे कहानी सुनाना सीखा या फिर आ, अर्ली मॉर्निंग आपको वॉक के लिए लेके जाते हैं तो ये एक हैबिट आपने सीखी कि गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक मॉर्निंग वॉक ग्रैंड मदर आपको दादी रोज कहानियां सुनाती है तो उनसे आपने टेलिंग स्टोरीज कहानियां सुनानी सीखी है आंट आपकी आंट सपोज करिए ड्राइंग बहुत अच्छी करती है कोई भी काम जो आपने उनसे सीखा हो तो वो आप यहां लिख सकते हैं अपने फादर या मदर से तो आपने बहुत चीजें सीखी होती है जो भी उन्होंने आपको सिखाया है वो आप यहां लिखेंगे ओके okay. जैसे कि आपके फादर होंगे वो उनके फादर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं तो ये आप भी देखते हैं तो रेस्पेक्टिंग एल्डर्स आपकी मदर हैं वो आपके ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर की बहुत रिस्पेक्ट करती हैं ऊंचा नहीं बोलती कभी तो ये चीज़ें आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को जब ऑब्जर्व करते हैं तो उनसे सीखते हैं और ये आप यहाँ पर लिखेंगे भी नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द टाइप ऑफ फैमिली शोन इन द पिक्चर टिक राइट इन टाइप ऑफ फैमिली यू हैव ओके सबसे पहले फर्स्ट जो फैमिली है ये है न्यूक्लियर फैमिली सेकेंड ये है ज्वाइंट फैमिली जहां पर आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं वो जॉइंट फैमिली है जहां पर आपके पेरेंट्स और आप है सिर्फ दो ही जनरेशन है वो न्यूक्लियर फैमिली है आपकी कौन सी फैमिली है अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली है तो आप यहां टिक लगाएंगे और अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो आप यहां पर टिक करेंगे हाउ विल यू एड्रेस विड्रेस आप इनको कैसे एड्रेस करेंगे योर फादर्स फादर आपके फादर के फादर को दादाजी योर फादर्स मदर आपकी फादर की मदर को दादी जी योर मदर सिस्टर आपकी मदर की जो बहन है मासी जी योर मदर्स फादर आपके मदर के फादर को हम कहते हैं नाना जी नेक्स्ट योर फादर्स ब्रदर आपके फादर के भाई को अंकल जी अंकल योर मदर्स मदर आपकी मदर की मदर को नानी जी नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ योर फैमिली ट्री विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स आपको आपकी फैमिली का फैमिली ट्री यहाँ पर ड्रॉ करना है तो ये देखिए कुछ एग्जांपल्स आपको दे देते हैं कैसे आपको फैमिली ट्रीज ड्रॉ करने हैं फैमिली ट्री में एक ट्री जैसा बना होता है जिसमें आप अपनी फैमिली के मेम्बर्स की पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हैं उनके नाम लिख सकते हैं लाइक like दिस पिक्चर्स ड्रॉ भी कर सकते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये पिक्चर आप यहाँ अपनी वर्कशीट में पेस्ट कर देंगे फैमिली ट्री बनाने को कई बार एग्जाम में आ भी जाता है विच अकॉर्डिंग टू यू इज द करेक्ट वे ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू योर एल्डर्स आपके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा सही तरीका है बड़ों को रेस्पेक्ट और पोलाइटनेस uh, दिखाने का रिगार्ड्स दिखाने का टिक और क्रॉस आपको लगाने हैं बी पोलाइट उनके साथ पोलाइट रहना पोलाइटली बात करना प्यार से बात करना बिल्कुल ये एक तरीका है रिस्पेक्ट शो करने का विजिट देम फ्रीक्वेंटली अगर आपके ग्रांड पेरेंट्स सपोज करिए आपके साथ नहीं रहते तो आप जब भी छुट्टी हो स्कूल की उनको विजिट करने चले जाइए उनसे मिलने चले जाइए आंसर देम रूडली रूडली गुस्से से उनको आंसर करना बिल्कुल नहीं आस्क फॉर देयर एडवाइस बिल्कुल आप कोई काम करने जा रहे हैं तो आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं कैसे करूं परमिशन ले सकते हैं वो भी एक रिस्पेक्ट शो करने का ही तरीका है सिर्फ पैर छूना नमस्ते करने से रिस्पेक्ट नहीं होती और भी बहुत चीज़ें आपको करनी पड़ती है टॉक अबाउट योर ट्रेडिशंस एंड कस्टम टू नो मोर अबाउट देम आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से घर के बड़ों से बात करेंगे अपने कस्टम्स के बारे में ट्रेडिशंस के बारे में वर्क अबाउट द ट्रेडिशन एंड कस्टम्स ट्रेडिशनल कस्टम्स को फॉलो करेंगे उनके लिए काम करेंगे ये भी तरीका है लिसन पेशेंटली टू वॉट दे शेयर विद यू कोई भी अगर आपको बता रहे हैं वो तो उनकी ये बात आपको सुननी है आपके ग्रैंड पेरेंट्स की अगर हम बात करें आपके दादा दादी की उनको आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए बस आप उनकी बात अगर सुनते हैं दैट इज इनफ ओके उनको सिर्फ कोई बात सुनने वाला चाहिए उनको सुनना है पेशेंट पेशेंटली चलिए आगे आते हैं हाउ डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एट होम घर पे आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कैसे करते हैं कुछ बहुत बड़े काम आपको इसके लिए करने की जरूरत नहीं है बहुत छोटे छोटे भी काम अगर आप करेंगे घर में जैसे कि क्लीन अपने रूम को क्लीन करना क्लीन माई रूम उसमें भी बहुत क्लीनिंग किया झाड़ू पोछा ऐसा करने की जरूरत नहीं है आपको बस जो चीज़ें उनको उनकी जगह पर रख दीजिए फैलाइए मत रूम में और आप क्या कर सकते हैं उनकी हेल्प करने के लिए क्लीन टेबल आफ्टर मील आपने खाना खाया उसके बाद टेबल साफ कर दीजिए जो बर्तन है उनको किचन में रख दीजिए आफ्टर मील देन टू गो शॉपिंग विद देम आपकी मदर अगर मार्केट जा रही है उनके साथ शॉपिंग के लिए चले जाइए थोड़ा बहुत सामान ताकि आप कैरी कर सके विद देम घर में अगर प्लांट्स हैं आपके उनमें पानी आप दे सकते हैं वाटरिंग द प्लांट्स ओके okay, तो ये छोटे छोटे और काम हैं जो कि आप कर सकते हैं उनमें आप अपने घर पे अपनी मदर की अपने फादर की हेल्प करा सकते हैं विच क्वालिटीज़ आर इनकलकेटेड बाय अ फैमिली कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ है जो आपने फैमिली इनकल्केट करती है फैमिली से आप सीखते हैं कौन सी वैल्यूज़ हैं ऐसी सबसे पहले तो रिस्पेक्टिंग एल्डर्स बड़ों की रिस्पेक्ट करना ये आप अपने घर से सीखते हैं एल्डर्स देन लव फॉर फैमिली ओके okay, शेयरिंग घर से आप सीखते हैं शेयरिंग एंड केयरिंग टू बी हेल्पफुल किसी को भी अगर जरूरत है अगर आप कुछ हेल्प कर सकते हैं हेल्प करना ये सभी कुछ वैल्यूज हैं जो कि पेरेंट्स आपके इनकलकेट करते हैं ऑनेस्टी ऑल्सो ईमानदारी आप अपने घर से सीखते हैं ओके हेल्पिंग अदर्स काइंडनेस आप अपने घर से सीखते हैं काइंडनेस ऑल्सो ओके नेक्स्ट इज डिफाइंड फैमिली फैमिली होती है ग्रुप ऑफ पीपल लोगों का एक ग्रुप हु लिव टुगेदर जो कि साथ में रहते हैं एंड रिलेटेड टू ईच अदर रिलेटेड टू एक दूसरे से कोई रिलेशन भी होना चाहिए टू ईच अदर ओके उसे हम बोलते हैं फैमिली एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे से प्यार करते हैं केयर करते हैं दैट इज फैमिली डू यू रिजेंबर योर पेरेंट्स इफ यस इन वॉट वे क्या आप अपने पेरेंट्स से किसी तरीके से रिजम्बल करते हैं कोई चीज़ है कोई आदत है आपकी जो आपके पेरेंट्स से मिलती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही कर पाएंगे डज योर फैमिली फॉलो एनी पर्टिकुलर कस्टम क्या कोई पर्टिकुलर कस्टम है जो आपकी फैमिली फॉलो करती है जैसे कि प्रेइंग बिफोर मील फैमिलीज में होता है कहीं खाना खाने से पहले जो है प्रे करते हैं थैंक यू बोलते हैं गॉड को कि हमें खाना मिल रहा है कई फैमिली में कस्टम होता है टेकिंग ऑफ शूज़ बिफोर एंटरिंग बिफोर द हाउस घर में एंटर करने से पहले आप शूज़ को टेक ऑफ करते हैं या फिर कोई एक पर्टिकुलर मान लीजिए रूम है जहाँ पर आप पूजा करते हैं कोई ऐसा रखा है तो वहाँ पर जाने से पहले शूज़ को टेक ऑफ़ करते हैं ये भी कई फैमिली में ट्रेडिशन होता है या फिर सेंग uh, या फिर विशिंग एवरी वन इन द मॉर्निंग सुबह जब आप उठते हैं सबको विश करते हैं ये भी कई फैमिली में कस्टम होता है आपकी फैमिली में क्या कोई ऐसा कस्टम है विशिंग एवरी वन इन द मॉर्निंग या फिर डिनर सभी लोग कई घर में ऐसा होता है कि हमेशा साथ में करते हैं ऐसा कोई कस्टम अगर आपके घर में है वो आप यहाँ पर लिखेंगे एंड ऑल इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं होपफुली कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपने सीखी होगी एंड एक तरीके से चैप्टर भी आपका रिवाइज हो गया है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर इट्स क्विज़ टू कम